ओम श्री परमात्मा ने नमः। मैं प्रोफेसर हरिदेव अवस्थी, अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ और वेदों उपनिषद पुराण और गीता के मर्मज्ञ के साथ में अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योग एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग गीता के 10वें अध्याय के 19वें और 20वें श्लोक में हैं, जिसमें भगवान अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देते हुए अपनी विभूतियों का परिचय देना प्रारंभ करते हैं। और अब उन श्लोकों की गूढ़ व्याख्या और उसके रहस्य को गुरु जी समझाएंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने पूज्य गुरु जी की ओर। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद एवं सहृदय सज्जन वृंद तथा इस चैनल के संस्थापक एवं प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग गीता के 10वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज के इस प्रसंग में भगवान अपने विभूतियों का वर्णन करेंगे कि कौन कौन सी विभूतियां भगवान की विशेष रूप से हैं, जिसकी चर्चा और उसका परिचय भगवान 19वें श्लोक में देते हैं। श्री भगवान उवाच हंतते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्रधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियां आपसे कहूंगा। यहां पर भगवान ने अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ शब्द से संबोधित किया। उसका कारण क्या है? कुरुश्रेष्ठ शब्द से संबोधित करने का हेतु क्या? तो हेतु यही है कि गूढ़ तत्व का प्रकाशन उसी के समक्ष करना आवश्यक होता है जो उसका पूर्ण रूप से अधिकारी हो। भारतीय परंपरा में प्रत्येक विद्या के अधिकारी को ही उस विद्या को प्रदान करने का जो है नियम बनाया गया। उसका कारण क्या है कि अनाधिकारी व्यक्ति को अगर वह विद्या प्राप्त होती है तो उसका वो अनर्थ कर सकता है। जैसे एक सांप्रतिक उदाहरण, विश्व की सबसे उन्नत किस्म की जो राइफल है अगर किसी सैनिक को दिया जाए तो वो उससे अपने देश की रक्षा करेगा और दुश्मनों को अपने सीमा में प्रवेश नहीं करने देगा। किंतु वही राइफल अगर किसी आतंकवादी को दे दी जाए तो अनेक निर्दोष लोगों को वो मौत की नींद सुला देगा। तो यही होता है अधिकारी और अनधिकारी व्यक्ति को किसी भी वस्तु या विद्या प्रदान करने का फल। इसी तरह से अगर हम दान प्राप्त करने के अधिकारी के विषय में भी चर्चा कर सकते हैं, अगर किसी ऐसे सात्विक और गरीब व्यक्ति को अगर वह कोई भी हम दान देते हैं तो उस दान से संप्राप्त वस्तु का उपयोग या तो वह अपने लिए करेगा और या अपने से भी और जरूरतमंद जो लोग हैं उनको उसकी सहायता करेगा।
किंतु अनाधिकारी व्यक्ति को देते हैं तो उसका उपयोग भी कर सकता है या उसको बेच करके सुरापान भी कर सकता है। तो ये होता है अनाधिकारी और अधिकारी के व्यक्ति के विषय में। उसी प्रकार संपूर्ण विद्याओं के भी विषय में यही चर्चा होती है कि अगर हम किसी उत्तम व्यक्ति को वह विद्या देते हैं तो उसका स्वयं ज्ञान करके अनेक अधिकारी व्यक्तियों को ज्ञान कर उस विद्या का अभिवर्धन करता है, और एक अगर वो अनधिकारी व्यक्ति है तो उस विद्या को अनधिकारियों व्यक्ति को दे करके स्वयं तो अनर्थ करेगा ही अनेक लोगों से भी अनर्थ कराने का वो पूरा प्रबंध कर देता है। इसलिए भगवान ने यह कुरुश्रेष्ठ शब्द से उच्चारण किया कि कुरुवंश में जितने भी व्यक्ति हैं उनमें आप श्रेष्ठ होने अर्थात आचार विचार व्यवहार से श्रेष्ठ हैं, तो हमारे द्वारा जो आपको यह ज्ञान प्राप्त हो रहा है इसको सुरक्षित रखते हुए और इससे इसका सदुपयोग होगा, ये मान करके कुरुश्रेष्ठ शब्द का संबोधन भगवान ने किया। और भगवान इसमें आत्मविभूति शब्दों का उल्लेख करेंगे और कहते हैं दिव्या ही आत्मविभूतिया। तो आत्मविभूति शब्द का अर्थ क्या होता है, उसमें भी दिव्य आत्मविभूति का मतलब क्या होता है? तो विभूति का मतलब होता ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य भी दो प्रकार के हो गए, एक दिव्य और एक अदिव्य अर्थात सामान्य। तो सामान्य जो हमारे गुण हैं, जो हमारी विशेषताएं हैं, तो वो सभी में हो सकती हैं, और जो दिव्य विभूतियां हैं ऐश्वर्य हैं वो ऐसे हो सकते हैं जो हम में ना हो, या हमसे या हमारे जैसे व्यक्तियों से अनेकों गुणित वो उत्तम स्वरूप में हो। तो भगवान का जो ऐश्वर्य है, उनका जो दिव्य विभूति का जो स्वरूप है क्या है, तेज है, बल है, विद्या है, ऐश्वर्य है, कांति और शक्ति है। तो इन्हीं का जो विशेष विकास है वही भगवान की विभूतियां हैं, और वो एक नहीं है, दो नहीं है, दस नहीं है, अनंत है, जिनका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। और भगवान भी कहते हैं कि नास्ति अंतः विस्तरस्य में विस्तरस्य अंतः नास्ति। मैं जो आपको अपनी विभूतियों को कहना चाह रहा हूं वो अनंत है। तो आप कितने कह रहे हो, प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ दिव्याहात्मविभूतयः ते कथयिष्यामि। कुछ जो प्रधान जो विभूति है उनको मैं कह रहा हूं, अगर सब सब कहना चाहूं तो नास्ति अंत विस्तरस्य में अंत नास्ति, उन विभूतियों का अंत नहीं अगर हम विस्तार पूर्वक कहते हैं। इसलिए यहां पर जो है संपूर्ण विभूतियों की चर्चा न करके कुछ मुख्य मुख्य विभूतियों की चर्चा की गई। अब ये विभूति शब्द से एक और स्वरूप हम इसको हम ज्ञान कर सकते हैं कि जैसे सृष्टि संचालन के लिए भगवान को भी अपने तत्त्व विषय से संबंधित व्यक्ति विशेष या पदार्थ विशेष या वस्तु विशेष में अपने ऐश्वर्य की सत्ता की जो है प्रमुख स्थिति बनानी पड़ती है। हमारा छोटा सा घर होता है, चार छह व्यक्ति अधिकतम 10-12 व्यक्ति हम लोग घर में होते हैं, तो हम लोग कोई ना कोई कार्य विशेष सबको सौंप देते हैं कि ये कार्य आपको देखना है, ये कार्य आपको देखना है, ये कार्य आपको देखना है। तो जो संपूर्ण सृष्टि को चला रहा है तो उसको भी तो अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। विष्णु पुराण में कहा गया है सर्वे च देवा मनवा समस्ता सप्तर्षयो ये मनुसूनवश्च इंद्रश्च योयम् त्रिदश
त्रिदशेष भूतो विष्णु रशेषास्तु विभूतयस्ताः। इसमें कहा गया है कि भगवान जो है संपूर्ण सृष्टि को यथाविधि नियंत्रण करने के लिए तत्त्व जीवों में सृष्टि के नियम अनुसार सबका पालन करने के लिए, सबकी सृष्टि करने के लिए, संहार करने के लिए प्रत्येक समष्टि के प्रत्येक विभाग के अधिकारी को नियुक्त किया। जैसे रुद्र हैं, पशु हैं, आदित्य हैं, इंद्र हैं, साध्य हैं, विश्वे देव हैं, मरुत हैं, पितृदेव हैं, मनु हैं, सप्तर्षि हैं आदि ये अनेक हैं जिनको, और इनमें भी कुछ मूर्त रूप में भी है, कुछ अमूर्त रूप में भी हैं, जिनकी चर्चा कई पुराणों वगैरह में है। वायु पुराण में इसके विषय में विशेष रूप से कि किन किन सृष्टि के तत्त्व विभूति को तत्त्व कार्य संपादन के लिए भगवान ने उनको नियुक्त किया, उसमें लिखा है कि ग्रहों का अधिपति चंद्रमा को बनाया गया और अंगिरसों का नायक जो है बृहस्पति को बनाया गया, भार्गवों का अधिपति शुक्राचार्य को बनाया गया, द्वादश आदित्यों में विष्णु को आदित्यों का अधिपति बनाया गया और सभी अग्नियों में पावक नामक अग्नि को अग्नि का अधिपति बनाया गया, सभी प्रजापतियों का स्वामी दक्ष को बनाया, दैत्यों का स्वामी प्रहलाद को बनाया गया और सभी मरुतों का स्वामी इंद्र को बनाया गया, सभी जितने भी साधक हैं, योगी हैं, उनके स्वामी के रूप में नारायण को, नारायण ये दो ऋषि हुए हैं तो नारायण ऋषियों को सौंपा गया, 11 रुद्रों के स्वामी के रूप में भगवान शिव को चुना गया, इसी प्रकार जल के भी जितने तत्व हैं उनमें वरुण को, यक्ष राक्षस में कुबेर को, भूत प्रेत पिशाचों में शूल पाणी को, नदियों में सागर को, गंधर्वों में चित्ररथ को और अश्वों में औच्चैःस्रवा को, पशुओं में सिंह को और सभी जितने जो है गाय आदि पशु हैं उनमें जो है वृषभ को, पक्षियों में गरुण को और नागों में शेषनाग को और इसी तरह से वासुकी को, तक्षक को और पर्वतों में हिमवान को, दानवों में प्रचिति को और पितरों में वैवस्वत को और इसी तरह से सागर नदी इत्यादि और मेघों में पर्जन्य को और अप्सराओं का जो है कामदेव को, ऋतियों और मासादि इनका सबका संवत्सर को और पूर्व का सुधर्मा, पश्चिम को केतुमान, वैवस्वत मनु को, समनिष्यों का राजा, इस तरह से किनको किनको कहां पर किस तरह से कार्यभार सौंपा गया इसका उल्लेख वायु पुराण में मिलता है, जिसका ही विस्तार गीता में यहां पर दिया गया है, जिसकी चर्चा हम लोग इस अध्याय में करेंगे। भगवान ने सबसे पहले बताया कि मैं पहली विभूति क्या हूं, तो हम देखते हैं कि संपूर्ण जितने भी जीव है, प्राणधारी हैं, प्राणी हैं, उनमें उनका जीवन तत्व क्या है, तो जीवन तत्व है प्राण, आत्मा हम लोग जिसको कहते हैं, उसी को प्राण भी कहते हैं, उसको आत्मा भी कहते हैं। अगर आत्म तत्व निकल जाए तो संपूर्ण शरीर, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे पशु का हो, पक्षी का हो, किसी भी जीव का हो, उसकी सत्ता समाप्त हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्च मध्यंच भूतानामंत एवच्च, अर्थात संपूर्ण विश्व के, या हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड के, क्योंकि आज की जो परिभाषा विश्व शब्द की है वो पृथ्वीवासी
तक ही सीमित है। और हम लोग जब चर्चा करते हैं विश्व शब्द से, अर्थात अपने दर्शन के अनुसार पर, तो विश्व का मतलब संपूर्ण जो ब्रह्मांड है उसका हम ज्ञान करते हैं, जिसमें जो है भूलोक, वह लोक, स्वलोक, महालोक, जनहलोक, तपहलोक, सत्यलोक, और इसी तरह से जो है जो तल, अतल, वितल, सुतल इत्यादि के जो सात लोक नीचे के हैं, सात लोक ऊपर के हैं, उनमें रहने वाले जो भी प्राणी हैं, जीव हैं, उन सब की हम जो है गणना करते हैं, तो उन सब में जो आत्म तत्व है वही सर्वथा मुख्य है। वो कैसा है? सर्वभूताशय स्थितः। वो आत्म तत्व कहाँ है? तो सबके हृदय में रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में रहता है, तो हृदय में रहता है तो कहाँ रहता है? आत्म तत्व के रूप में वो हमारे हृदय में वो परमात्मा रहता है। और इसी का जो है कई जगह उल्लेख है शास्त्रों में, तुलसीकृत रामायण में भी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जीव जो है वो भी ईश्वरांश, ईश्वर का ही अंश है, इसलिए ईश्वर में और जीव में अंश अंशी भाव संबंध है। अंशी जो है वो ईश्वर है, परमात्मा है, नारायण है, और अंश जो है जीव है। तो जीव जीव ही वो भी परमात्म तत्व का ही स्वरूप है। इसीलिए यहाँ पर जो सृष्टि की प्रक्रिया के समय पर उपनिषदों में जो कहा जाता है एको हम बहुश्याम का, इसका मुख्य तात्पर्य यही है कि एक परमात्मा अपने से अनेक जीवों को उद्भावित करता है, और इसे अनेक सृष्टि के स्वरूप में अनंत जीव हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं। तो अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, सर्वभूतानाम आशय हृदय स्थित, सर्वभूताशय स्थित, जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करता है वह मैं हूं। और क्या हूं? अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। क्योंकि सृष्टि प्रक्रिया का जो स्वरूप है कहां से प्रारंभ होता है? उत्पद्यते, तिष्ठति, वर्धते, ह्रस्यति, नश्यति। अर्थात कोई व्यक्ति है, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने से सत्ता बनती है, फिर इसके बाद वो बढ़ता है, बढ़ने पर एक स्थिति बनती है, बढ़ने की फिर उसके बाद ह्रास होता है, फिर उसका जीर्ण स्वरूप होता है, और फिर उसका नाश होता है। तो आदि का अर्थ हो गया प्रत्येक वस्तु या प्राणी का उसकी उत्पत्ति का जो स्वरूप होता है, और मध्य जितने में वो बढ़ सकता है उसकी वर्धनावस्था होती है वो हो गया, और इसके बाद उसकी ह्रास अवस्था के बाद अंत्य अवस्था अर्थात उसकी मृत्यु की अवस्था। तो तीनों का संचालन, तीनों की स्थिति वो परमात्मा के अधीन ही है। कोई भी जीव ये नहीं कह सकता है या ऐसा अनुभव उसको ज्ञात नहीं हो सकता है कि मेरा जन्म इस योनि में, इस स्थल विशेष में होगा, और उसको ये भी पता नहीं रहता है कि मैं पूर्ण आयु प्राप्त कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ये तो माया और कलयुग का प्रभाव है, जिसमें 10-50-60-70 वर्ष की आयु प्रायः सामान्य मानी जाती है, किंतु हमें अभिमान ऐसा होता है कि कल्पों तक हमारा विनाश नहीं होगा, हम तो अमर होकर के आए हुए हैं, इसलिए अनेक प्रकार के पाप कर्म भी करते हैं, अनेक प्रकार के गलत कार्य भी करते हैं, और इस छोटे से जीवन को चलाने के लिए न जाने कितने को कष्ट देते हैं, किसी को ठगते हैं, किसी को लूटते हैं, किसी को उसको जो है बेवकूफ़ बनाते हैं, आदि आदि। और जो अच्छे लोग हैं तो परोपकार भी करते हैं, लोगों की सहायता भी करते हैं, अनेक प्रकार के उपदेशों का संग्रह करके सबको सुनाते हैं, जो सबका कल्याण हो। तो अहम आदिश्च, मैं उस आदि स्वरूप में भी हूँ जिससे प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने उत्पत्ति से संबद्ध होता है। अहम मध्यम अस्मि, मैं मध्य हूँ
व्यक्ति अपने एक स्वरूप को पूर्ण रूप से विकसित अपने को करके मुझ में स्थित पाता है। और भूतानाम अंतेव च, संपूर्ण प्राणियों का मैं जो है अंत भी हूँ। क्योंकि एक अवस्था ऐसी आती है जब व्यक्ति को अपना जो है वो पुराना शरीर छोड़ करके नए शरीर को प्राप्ति के लिए, अपने फल भोग के लिए उसको आगे जाना पड़ता है। तो ये सृष्टि की एक जो पूरी प्रक्रिया है, उस संपूर्ण प्रक्रिया के संचालक के रूप में, उसको प्रवर्तक के रूप में, उसके उपादान कारण भी भगवान है, उसके निमित्त कारण भी भगवान है। तो इस तरह से वह जो परमात्मा है, उसका जो स्वरूप है, उसकी पहला जो उसका जो ऐश्वर्य है, वो हमारा वो जीव तत्व है, वही है। और उस जीव तत्व की जो ये तीन अवस्थाएं हैं, जिसको प्राण धारण की अवस्था, प्राणी के प्राण और प्राप्त देह के संपूर्ण विकास की अवस्था, और उसके इसके बाद उसके जीर्ण के अनंत उसके प्राण वियोग की स्थिति, इनका भी संचालन परमात्मा के द्वारा होता है। इस तरह से भगवान ने प्रथम विभूति के रूप में उन्होंने आत्म तत्व का विश्लेषण किया जी। अपनी ज्ञान वर्षा के माध्यम से और भगवान की विभूतियों के परिचय के माध्यम से हम सभी पर उपकार कर रहे हैं, और आपको भी ये ज्ञान लाभ कर रहा है। तो कृपया जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद।